साथ बदलते भारत की शान। Mandi.com के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, Mandi.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। Mandi.com में आज हम बात करने जा रहे हैं फूड प्रोसेसिंग की। जैसा कि हम हमेशा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर देते हैं अपने इस कार्यक्रम में, और हम चाहते हैं कि किसान आत्मनिर्भर बने, जो कि प्रधानमंत्री ने इस 15 अगस्त को लाल किले से एक तरह से ये नारा भी दिया। उन्होंने कहा कि किसान को आत्मनिर्भर बनाए जाने की जरूरत है। तो फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा बाजार है जहाँ की किसान आत्मनिर्भर बन सकता है। लेकिन अभी परेशानी यह है कि किसान अपना जो भी उपज करता है वो सीधे प्रोसेसर को ले जाकर देता है, क्योंकि उसके पास नहीं वो क्षमता है, नहीं वो तकनीक है कि वो स्वयं प्रोसेसिंग कर सके। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि कैसे छोटा किसान, आम किसान जो है वो भी अपने उपज की प्रोसेसिंग अपने घर में ही कर सके, और इसलिए जो बीच का मार्जिन है उसका ज्यादा हिस्सा उसके पास स्वयं रहे और उससे उसकी आमदनी बढ़े। आइए आपको पहले परिचय आपका करा देते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े हैं नितिन खाड़े, जो महाराष्ट्र की सांगली जिले से हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन के बारे में जो संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे दूं कि वैसे तो पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से नितिन इंजीनियर हैं, लेकिन पिछले करीब एक दशक से लगातार वो खेती से जुड़े हैं, खुद भी खेती करते हैं, और साथ ही उन्होंने फूड प्रोसेसिंग के लिहाज से कई सारी तकनीकों पर काम किया है, कई तकनीक इजाद किए हैं जिनका पेटेंट भी उनके नाम पर है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे आज नितिन से। आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन। नमस्कार नितिन। बहुत संक्षेप में पहले मैं आपको कहूंगा कि अपनी जो अपना सफर है, ये सफर आप हम लोगों को उसे साझा कीजिए। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ ये भी आपको बताऊं, क्योंकि आमतौर पे ये ऐसा दौर है जब हम हमेशा देखते हैं कि जो किसान है वो चाहता है कि उसका बेटा पढ़ाई लिखाई करके शहर जाए, नौकरी करे। आपने एक इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद खेती में आने का फैसला किया, तो क्या वजह थी इस फैसले के पीछे, और उसके बाद जो आपने एक दशक में खेती को अपना करियर चुना, तो उसका अनुभव क्या है? क्या कभी आपको लगता है कि गलती हो गई, इंजीनियर ही बन जाते? जी नहीं, कैसा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई होने के बाद, मैं जब अपने कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद जब मैं इस फील्ड में आया, तो मुझे अपना पहला जो मेरा पैशन था वो खेती है। खेती में मेरा बहुत ही शौक था। फिर मैंने जिस काम में मुझे रुचि नहीं है तो वो मैं क्यों करूँ, तो मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर थी वो मैंने बाजू में रखकर अपने गाँव चला आया और अपने खेती करना चालू कर दिया। खेती करते करते बाद में ऐसे पता चला कि मंडी का भाव कोई भी फिक्स नहीं होता है, और जब हम अपने मेहनत करके हम निसर्ग से लड़कर जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते हैं और आप मंडी बेचने जाते हैं तो हमें उसकी पूरी कीमत नहीं मिलती, और रेट ड्रॉप होने के बाद फिर हमें हमारे सामने कुछ भी नहीं होता कि अभी हम क्या करें, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे आगे कैसे लेके जाए, हमें अच्छे से अच्छे मार्जिन कैसे मिले। फिर मैंने तय कर लिया कि इसको अगर हम प्रोसेस करें तो इसका वैल्यूडेशन हो जाएगा। तो वैल्यूडेशन करने के लिए मैंने डिहाइड्रेशन सब्जेक्ट चुन लिया। डिहाइड्रेशन करने के बाद मैंने उसके लिए कुछ मशीन भी बनाई, और तभी मुझे पता चला कि जब वैल्यूएशन प्रोडक्ट की करते हैं तो आपको अच्छी कीमत आती। मैंने प्रोडक्ट अच्छा। को सुखाना चालू किया, फिर उसको फ्लेक्स और जी। पहले मुझे ये बताइए कि खेती, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है उसके भी अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज हैं वो फसल के हिसाब से सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, और जैसे अगर हम सब्जियों और फलों की बात करते हैं तो उसमें तो मसला एकदम अलग होता है, क्योंकि शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है, तो सारी तकनीक जो है इस पर केंद्रित होती है कि शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाएं। दूसरी जो फसलें हैं उसमें अलग अलग फसलों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि आप कौन कौन सी फसलों की खेती करते हैं, और जो फूड प्रोसेसिंग आप करते हैं वो किन की करते हैं? फिलहाल तो हमने जब भी चीज फूड प्रोसेसिंग चालू किया तो उसपे टमाटर थे। टमाटर के भाव कभी भी मार्केट में हाई ऐसे ही जाते नहीं है और किसानों को रेट नहीं मिलता है। अदरक है,
फिर पालक है, लहसुन है, ओनियन है, कांदा है, प्याज है, तो फिर मैंने उसको मैंने डिहाइड्रेट करना चालू किया और डिहाइड्रेशन करने के बाद उसे मैंने मार्केट ढूंढना चालू किया, तो कुछ होटल्स है तो होटल्स में पहले देना चालू किया, तो वहां पर उसे मुझे अच्छी कीमत आ गई। कीमत आ गई तो मुझे ये पता चला कि लोगों का रुझान इस प्रोसेस फूड पे है, क्योंकि उन्हें उसको बाद में मेहनत करने नहीं होती। अभी प्याज अगर हम लेने जाएंगे मार्केट से लेना पड़ता है, फिर उसे छीलना पड़ता है, फिर उसे काटना का जो प्रोसीजर है उससे इस पे क्या हो जाता है, और वैसे ही रखेंगे तो कुछ दिनों में वो खराब भी हो सकते हैं। तो इस पे कैसा है कि सिर्फ आपको ढक्कन खोलना है और वहां पैकिंग में से आपको सिर्फ ओनियन पाउडर निकालना है और अपने बर्तन में डालना है, यानी इस्तेमाल करने में कस्टमर को भी आसानी करने में वो बहुत आसान है। लेकिन डिहाइड्रेट जब आप कहते हैं तो जो शब्द से समझ में आता है उसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें से पानी को निकाल देते हैं, जिसके कारण की जो खराब होने की संभावना उन सब्जियों के है वो कम हो जाती है या बहुत लंबे समय तक वो सब्जियां चल सकती हैं। तो डिहाइड्रेट कैसे करते हैं, क्या सीधे ही उनको काट के धूप में सुखाते हैं या कोई खास तकनीक या मशीन इस्तेमाल करते हैं? हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे पहले उसे जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके छिलके निकालने हैं या तो और उसे अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद आप उसे जरूरत के अनुसार, अगर आपको पाउडर बनानी है उसकी, तो जितने छोटे छोटे टुकड़े हो सके, पतले पतले टुकड़े हो सके, उतने आपको करने हैं। फिर आपको डिहाइड्रेशन अपने ड्रायर में डालना है। अगर आपको फ्लेक्स फॉर्म में चाहिए तो जितने बड़े टुकड़े हो सकते हैं स्लाइसिंग करके वगैरह उसको आप रख सकते हैं, फिर उसको कुछ ही घंटे में वो डिहाइड्रेट हो जाता है। उस हमारा पर्पज है निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, उसमें से पानी निकालना है। जब झाड़ पे अगर वो फल और सब्जी है वो जब तक झाड़ पे है तब तक उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, वो टिकता है। अगर हम उसे तोड़ते हैं तो खराब क्यों होता है, सड़निंग की प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि उसपे जो पानी होता है, पानी में सूक्ष्म जीव होते हैं और उसे हम क्या करते हैं, वो सूक्ष्म जीव को न्यूट्रिशियस वैल्यू जमीन द्वारा मिलती रहती है। हम क्या कर रहे हैं कि उसको जो तोड़ने के बाद जो उसका न्यूट्रिशियस वैल्यू सप्लाई बंद किया है, तो हम क्या करते हैं उसे, हम उसे काटते हैं, उसका ओपन सरफेस करके डिहाइड्रेशन करते हैं और प्रोडक्ट में का पानी ही हम निकाल देते हैं, तो सूक्ष्म जीव भी चले जाते हैं और उसका पानी का प्रमाण, मॉइस्चर का लेवल 4% से नीचे लाते हैं, ताकि फिर बाद में क्या होता है कि वो सड़ने की प्रक्रिया ना हो। जी, जब सूक्ष्म जीव ही नहीं है तो उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ता है। आपने आपने ड्रायर की बात कही बीच में कि उसके बाद उसको ड्रायर में डालते हैं, तो ये ड्रायर क्या है? ड्रायर कोई खास तरह की मशीन है, इसको खरीदना होता है बाहर से, बाजार से, इसकी कितनी कीमत है, कितने ड्रायर चाहिए होते हैं? अगर मैं कहूं कि अगर 10 किलो सब्जियों का मुझे डिहाइड्रेट करना है तो कितने ड्रायर उसके लिए चाहिए, उसकी उसको किस तरह से, अगर कोई किसान जाए बाजार में खोजने तो वो किस तरह से बताए कि उसको कितना कितनी कैपेसिटी का ड्रायर चाहिए, तो थोड़ा इस ड्रायर के बारे में बताइए। ड्रायर होता है एक फूड डिहाइड्रेटर, यानी एक ड्रायर होता है, एक बक्सा होता है, तो बक्से में हम ट्रे रखते हैं। ट्रे इसीलिए कि जब भी हमें प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट करना है तो उसे छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े करने हैं या तो स्लाइस करके हम उसे ट्रे में रखते हैं। ड्रायर का ऐसा होता है कि उसे हम हीटर्स लगाते हैं। हीटर लगने से क्या होता है, हम और अंदर एक फैन होता है, वो क्या काम करता है, तो वो जो गर्म हवा को चारों तरफ से फैला देता है और हर जगह पर एक समान हीट जाने देता है। उस हीट की वजह से क्या होता है कि हमारा जो डिहाइड्रेशन होता है पानी, जो उसमें का प्रोडक्ट के अंदर का पानी है, उसे जल्द से जल्द निकाला जाता है। अगर हम सन ड्राइंग करते हैं तो हमें उतनी हीट नहीं मिलती है और ओपन सरफेस होने की वजह से वहां पर फॉरेन बॉडीज का अटैक हो जाता है और जिसकी वजह से फूड की क्वालिटी डिम हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस में प्रोडक्ट फेल हो सकता है। हम अगर ट्रे ड्रायर या हमारा डिहाइड्रेटर यूज करते हैं तो वो फॉरेन बॉडी उस पर अटैक नहीं करते, वो चारों बाजू से बंद होता है और उसको हम कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, कंट्रोल टेम्परेचर में हम उसे यूनिफॉर्म हीट देते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट एक ही सामान में एक ही तरीके से डिहाइड्रेट होता है और डिहाइड्रेट होने के बाद आप फ्लेक्स या पाउडर फॉर्म में उसे ला सकते हैं। जी जी जी, सन ड्राइंग करके हमें थोड़ा सा खर्चा बचेगा लेकिन कीमत अच्छी मिलेगी। जी नितिन जी, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारा समय हो गया है ब्रेक का, लेकिन उसके बाद आने के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए mandi.com। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज फूड प्रोसेसिंग के बारे में और जानने और समझने की कोशिश उन तकनीकों उन मशीनों के बारे में कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल कर किसान स्वयं ही अपने जो कृषि उत्पाद हैं खासतौर से सब्जियां हैं फल हैं उनको अपने घर पे ही प्रोसेस कर सकता है और उससे निश्चित तौर पर उसकी आमदनी में कई गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। हमारे साथ आज जो मेहमान हमारे हैं वो नितिन खाड़े हैं जो महाराष्ट्र के सांगली जिले से हैं। पिछले 10 दशकों से कृषि तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही अपने जो कृषि उत्पादन को खुद ही प्रोसेस भी कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं और नितिन वैसे क्वालिफिकेशन की दृष्टि से इंजीनियर हैं तो इसलिए तकनीक वगैरह से इनका साबका रहा है, इनका एक एप्टीट्यूड भी है। तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तकनीक उन्होंने कई सारी तकनीक ईजाद भी की है तो उनका कैसे हमारे जो छोटे और सीमांत किसान भाई हैं वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। नितिन ये तो आपने बता दिया कि ड्रायर किस तरह का हो उसको कैसे इस्तेमाल करें, कॉस्टिंग इसकी थोड़ा सा मुझे बताइए कि कॉस्ट कितना पड़ता है और ये कहाँ से हम ले सकते हैं, क्या कहीं से इसको ऑनलाइन भी मंगाया जा सकता है क्योंकि आपका ये कार्यक्रम जो है पूरे देश के किसान हमारे देख रहे हैं तो अगर आप मान लीजिए कि सांगली के बगल का कोई बाजार हो तो हो सकता है वहां से सब लोग नहीं मंगा सकते हैं। दूसरा मैं ये भी समझना चाहता हूँ क्या इसे खुद भी बनाया जा सकता है, थोड़ा इस पर आप विस्तार से बताएं। जी जरूर, फूड डिहाइड्रेट आपको वैसे बाजार से रेडी तो नहीं मिलेगा, छोटे छोटे रेडी मिलेंगे ऑनलाइन में मिलते हैं लेकिन वो कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने लायक नहीं होते। आपको अगर चाहिए तो आप उसे किसी फैब्रिकेटर से बना सकते हैं और अच्छे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से उसको इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी बात इसकी कीमत ऐसी होती है कि आपको कितने प्रोडक्ट उसपे अंदर सूखने के लिए रखना है तो 40-50 हजार से लेकर कई लाखों तक उसकी कीमत जाती है। जैसे हमें 1 स्क्वायर फुट में कितना प्रोडक्ट सूखने के लिए रखना है उसके ऊपर से उसके ट्रे तय किए जाते हैं, उसकी कैपेसिटी तय की सकती है। अभी 2x3 का हमारे पास ट्रे है तो हम क्या करते हैं कि 1 स्क्वायर फुट में कितना किलो वो माल बैठेगा वो हिसाब से उसकी वजन तय किया जाता है। जैसे 1 स्क्वायर फुट में आधा किलो अगर बैठ रहे तो 6 स्क्वायर फुट में 3 किलो उसकी कैपेसिटी तय की जाती है। आपको उसके कितने आपको प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि आपको अगर 10 किलो आपको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए तो 10 किलो तो आपके पास कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट में कितना पानी का प्रमाण है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास चलो 10 किलो यानी 100 किलो अगर आपने सब्जी सूखने के लिए रखी तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा 10 किलो। हर प्रोडक्ट में पानी के प्रमाण के अनुसार उसकी डिहाइड्रेशन की फिनिश प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर 90% पानी है तो 10% आपका सूखा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो जो ड्राई प्रोडक्ट है वो हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। हर 2 प्रोडक्ट में अलग अलग पानी का मॉइस्चर का प्रमाण होता है। जैसे ओनियन में 8-9% आपको पानी का प्रमाण मिलेगा, टमाटर में 5-6% मिलेगा, मोरिंगा लेंगे तो आपको 25% तक है, जिंजर गार्लिक टर्मरिक 15-20% उसपे पानी का इसपे फिनिश प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हैं और मशीन फाइनल कर सकते हैं। जी नितिन एक कंसर्न जो होता है जब आप डिहाइड्रेट करते हैं तो उसकी पौष्टिकता का भी होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब किसी भी सब्जी को हम डिहाइड्रेट करेंगे, आप जैसे खुद बता रहे थे कि बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं निश्चित तौर पर उन जीवों से पोषण भी मिलता है तो जब वो नहीं रहेंगे तो उसकी पोषकता का क्या होगा? कैसे होता है कि जब हम किसी भी चीज को ज्यादा हीट देते हैं तो हीट देने के बाद क्या होता है कि उसका जो कलर है कलर फिर उसका स्वाद ऑर्डर टेक्सचर टेस्ट न्यूट्रिशियस वैल्यू इस पे उसका असर हो जाता है, उसकी क्वालिटी डीम होती जाती है। और अगर हम उसे अगर कम से कम हीट पे अगर हम उसे सुखाते हैं
तो उसपे के कलर ऑर्डर टेक्सचर टेस्ट और न्यूट्रिशियस वाले वैसे के वैसे बरकरार रह सकते हैं या तो निग्लिजिबल लॉसेस हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन करने के बाद अगर आपको ये पता चले कि इसपे कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू बची नहीं है तो फिर हमें कोई मतलब नहीं डिहाइड्रेशन करना। हमारा मेन मकसद है कि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बढ़ाना, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो इसके लिए हमने एक डिवाइस यूज की करते हैं, हमने मेरी खुद की एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जो मॉइस्चर का प्रमाण हो जाता है अंदर, जो मॉइस्चर का प्रमाण बढ़ता है तो उसे हम घटाते हैं, तुरंत घटाते हैं और मॉइस्चर का प्रमाण बिलो 10% लाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो कम से कम टेम्परेचर में आप अधिक फास्ट स्पीड में आप उसे सुखा सकते हो और जिसके कारण क्या हो जाए, एम्बियंट टेम्परेचर कहते हैं उसे, जैसे 24 से लेकर 34 डिग्री, 26 डिग्री से लेकर 34 डिग्री तक इसे सुखाए जाते हैं और इससे कम टेम्परेचर में अभी जब आपका प्रोडक्ट सूखता है तो आपके पोषक तत्व वैसे के वैसे रहते हैं। तो ये हमारे लिए और किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम न्यूट्रिशियस वैल्यू होकर बचाते हैं तो। इसके लिए ना ही अपना भारत देश लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, अपॉर्चुनिटी है अपना प्रोडक्ट सेल करने की। जी जी, जो बहुत ही मौजूद बात आपने कही है कि सेल करने की अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट हर किसान जा नहीं सकता, तो नेशनल मार्केट में किस तरह का बाजार है और क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। बने रहिए हमारे साथ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसका इस्तेमाल किसान स्वयं कर सकता है, अपने घर पे कर सकता है, अपने कृषि उत्पादों के साथ कर सकता है और अपनी जो कीमत जो मिलती है उसको बाजार से उसको कई गुना तक बढ़ा सकता है। एक तरह से जो किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात कही जाती है वो बहुत ही कारगर साबित हो सकती है इस तकनीक से। खास तौर से सब्जियों के किसान जो हमेशा परेशान रहते हैं कि उनके पास, क्योंकि शेल्फ लाइफ सब्जियों की बहुत कम होती है और इसलिए मंडी में जाकर उनको जो भी भाव मिलता है उस भाव पर अपनी सब्जियां बेचनी पड़ती हैं, उनके लिए ये तकनीक बहुत ही कारगर है। जो आज हमारे साथ नितिन खाड़े महाराष्ट्र के सांगली जिले से किसान हैं, इंजीनियर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो शेयर कर रहे हैं इस तकनीक को। नितिन, अभी तक हमने ये समझा जाना कि किस तरह से शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, किस तरह से डिहाइड्रेट कर सकते हैं, किस तरह से पौष्टिकता बचा सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल किसान के सामने होता है कि ये सब तो वो कर ले लेकिन बेचे कैसे। तो आपने बताया था कि आप होटलों में गए, रेस्टोरेंट्स में गए, वहां सीधे बात की, लेकिन और भी क्या कुछ तरीके हैं जिससे कि इसको इसको ज्यादा बड़े पैमाने पर बेचा जा सकता है। खास तौर से अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कुछ एफपीओज हैं जो सब्जियों में काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारा क्वांटम है, बहुत सारी क्वांटिटी है, तो अगर वो इस तरह का उत्पाद बनाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बाजार कहाँ है इसका, और साथ ही आप निर्यात की बात भी कर रहे थे उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। यस सर, पहली बात ऐसी है कि किसानों को अब तक ये समझ में आएगा कि अगर हम अच्छे से प्रोसेस करते हैं फूड प्रोडक्ट को तो उसका वैलिडेशन होता है और इसका दुनिया में काफी बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ पर कैसा है कि हम एक कम्फर्ट जोन में, यहाँ पर अच्छे ऋतुमान होने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट
अच्छे पोषक वातावरण में तैयार हो सकते हैं, हो रहे हैं। और इसीलिए हमारी एक कमजोरी कि हम प्रोसेस फूड खाए क्यों, क्योंकि हमें सब फ्रेश मिल रहा है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज है, देखिए 24 घंटा रेगिस्तान गल्फ कंट्रीज है जहां पर खेती बाड़ी नहीं होती, यूरोपियन कंट्रीज है जहां पर 24 घंटा बारिश है, और कोई ऐसे कई ऐसे देश है कि जहां पर 24 घंटा बर्फ है, तो वहां पर खेती बाड़ी नहीं होती, तो उनकी जो स्टमक नीड है वो कहां से फुलफिल किए जाएंगे। तो ये हमारे जैसे कंट्री से वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंगाते हैं, लेकिन उसे रेफर कंटेनर से रेफ्रिजरेशन कंटेनर से जब बेचते तो उसकी कीमत बहुत बढ़ती है। लेकिन डिहाइड्रेट करने की वजह से क्या हो जाता है कि उसकी मांग भी बहुत है और हम आसानी से वहां तक पहुंचा सकते हैं जिसका खर्चा कम है। किसानों को अगर ये प्रोडक्ट हम बनाते हैं, आज की तारीख में कैसा है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं कि आज भारत में फूड प्रोसेसिंग ओनली सिर्फ 2% है। अगर किसान भाई अगर इसे प्रोसेस करके बेचते हैं तो हमें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी मार्केट है। उसे FPO के थ्रू या किसी ऑनलाइन पे आप जाएंगे तो आपको इसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर आपको बहुत सारे ऑर्डर ऑनलाइन ही मिल सकते हैं। अगर ग्रुप करके खेती करते हैं तो उसे इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड है, लोकल मार्केट में भी है। जैसे देखिए बनाना पाउडर, बनाना पाउडर अगर कोई बनाते है उसको तो अभी कोई मार्केट नहीं है सपोज, तो उसे अगर आप उसे बेबी फूड में बनाना पाउडर या मेन इंग्रेडिएंट वो इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी भी कीमत किसानों को अच्छी मिलती है। उसके केले के जिस छिलके की पाउडर बनती है वो मेकअप में, कॉस्मेटिक में फाउंडेशन करके यूज किया जाता है। अगर आप टमाटर देखते हैं, टमाटर में भी कैसा है कि टमाटर के कई प्रोडक्ट बनते हैं, किसान सड़क फेंक देते हैं कि जब उसे अगर उसे रेट नहीं मिलता है तो। टमाटर के देखिए सॉस है, केचप है, प्यूरी है, टमाटो पाउडर है, टमाटो फ्लेक्स है, ये अगर करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसकी कीमत मिलती है उसको। आपने अभी कभी तक सुना नहीं होगा कि टमाटर के ये सब प्रोडक्ट के रेट नीचे आए, जी जी जी, लेकिन टमाटर तो रेट मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी रोक रहा हूँ क्योंकि समय हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत छोटा सा एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ और बहुत छोटा सा उत्तर मुझे चाहिए। एक तकनीक पे हमने बात की इस कार्यक्रम के दौरान जिस पर आपने काम किया है, जो डिहाइड्रेटिंग जो सब्जियों की जाती है उसके बारे में। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए जैसे नासिक में एक किसान के यहाँ mandi.com के सिलसिले में हम लोगों ने विजिट किया था और वहाँ भी उनका इनफैक्ट एक FPO एक समूह जैसा था और वो मिलके सब करते थे, तो वो एक स्ट्रेटजी अपनाते थे कि जो ग्रेड ए और ग्रेड बी की सब्जियां थी वो उसको मंडी में ले जाकर बेच देते थे अच्छे भाव पर, और जो खराब होने वाली सब्जियां थी या जो बहुत अच्छी सब्जियां सी और डी ग्रेड की थी उसको वो धो के साफ करके और उसको ये सुखा के काम करते थे इसकी मार्केटिंग करने का। तो ये तो एक तरीका हुआ। इसके अलावा भी यानी डिहाइड्रेशन के अलावा भी कुछ और भी किया जा सकता है, कोई और भी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है? जी जरूर, देखिए कैसा है कि डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम कंप्लीटली ऑर्गेनिकली केमिकल फ्री प्रोसेस होता है। मगर इसके अलावा जब आप अलग टेक्निक यूज करते हैं जैसे स्प्रे ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, तो ये काफी महंगी टेक्नोलॉजी है। फिर वैसे भी और भी अगर आप उस पर देखिए अगर उस पर कुछ केमिकल या प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो फिर वो भी उसके भी शेल्फ लाइफ बढ़ते हैं। लेकिन कैसा है कि हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती फ्री केमिकल फ्री खेती के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। तो वैसे ही देखिए कैसी टेक्निक है, अगर आपको प्रिजर्वेटिव डाल के भी करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल ये है कि हम विष मुक्त जहर फ्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो वैसे अगर आप सन ड्राइंग के अलावा भी अगर फ्रीज ड्राइंग करते हैं या सन ड्राइंग करते हैं तो भी वो टेक्निक है, मगर काफी महंगी है। अच्छा नितिन, ये बताइए कि अगर मान लीजिए जो सब्जियां हैं जिन पर मान लीजिए कि अगर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया है, दवाइयां की गई हैं, उनको अगर डिहाइड्रेट करते हैं तो क्या वो अपने आप फिर ऑर्गेनिक हो जाती है, वो उनमें से सारा पेस्टिसाइड निकल जाता है? जी देखिए कैसा है कि हम उसे ऊपर से अच्छी तरह से धो सकते हैं। एक उसमें हम तरीका यूज करते हैं जिसे हम ओजोनाइज वाटर यूज करते हैं। ऑनलाइन ओजोनाइजर मशीन मिलती है, काफी महंगी नहीं है, काफी सस्ती है। उसे अगर आप पानी में अपने सादे पानी में अगर वो ओजोन गैस अगर डिसॉल्व करते हैं तो आपको जो भी हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जैसे सब्जियां है जो भी पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है अगर उस पे अगर उस पानी से अगर धोते हो तो वो उसका आउटर शेल में जितना भी केमिकल है वो निकल जाता है। तो वो एक बेनिफिट किसान यूज कर सकते हैं, तो वो उसे हम अच्छी तरह से यानी केमिकल फ्री यूज करते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर डिजॉल्व है, उसका रेसिड्यू अगर निकलता है तो वो कैसा है कि वो अंदर से हो गया, लेकिन हम बाहर से जरूर उसे केमिकल फ्री बना सकते हैं। जी नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे किसानों को ये सारी बात बताने के लिए, जो कि निश्चित तौर पे उनकी आमदनी बढ़ाने की राह में एक बहुत बड़ा एक टूल साधन साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद सर। ये थे नितिन खाड़े, महाराष्ट्र के सांगली जिले से हमारे साथ जुड़े थे और जिन्होंने बताया हम लोगों को उन तकनीकों के बारे में जो वो इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को डिहाइड्रेट करने के लिए, और जिनका इस्तेमाल से एक महीने से लेकर छः महीने या उससे ज़्यादा तक की शेल्फ लाइफ सब्जियों की बढ़ाई जा सकती है। और निश्चित तौर पर ये जो तकनीक है अगर हमारे किसानों में लोकप्रिय हो जाए तो एक तरफ तो जो सब्जियों की महंगाई की समस्या है उससे भी मुक्ति मिल सकती है, और दूसरी ओर जो किसानों के लिए सब्जियाँ सड़कों पर फेंकने वाली जो नौबत आ जाती है उससे भी किसानों को मुक्ति मिल सकती है। फिलहाल अब mandi.com में आज की चर्चा यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।